बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, वेलकम टू मैथ्स लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट एक्सरसाइज नंबर 5P। टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम्स। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हैं ग्राम्स में, हमने उनको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ग्राम एक छोटा यूनिट है और किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है। जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्रीवियसली आपने सीखा है कि जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में मीन्स किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे हम छोटे यूनिट से क्योंकि बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्योंकि 1 किलोग्राम में हमारे पास कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। 50 डिवाइडेड बाय 1000। जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो डिवाइड करवाने के लिए आपको पता है ये हमारे पास डिवाइडेंड होता है, जो आपके पास ऊपर है 50 और जो आपके पास नीचे है वो आपके पास डिवाइजर होता है, मीन्स 1000 आपका डिवाइजर है। और डिवाइजर में आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 डिजिट्स हैं आपके पास डिवाइजर में। और 50 में आपके पास मीन्स डिवाइडेड में आपके पास 2 डिजिट्स हैं। आपको यहाँ पे भी 4 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं। वो 4 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे रफ वर्क में देखिए, जब आप 50 प्लेस करेंगे और आपके पास 2 डिजिट्स आपको मोर और चाहिए और रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर जहाँ पे जो आपका ये रिजल्ट आएगा आंसर है उसमें आपने यहाँ पे 2 जीरोस प्लेस करने हैं। 2 जीरोस प्लेस करने का प्रोसेस क्या है, आप फर्स्ट 10 प्लेस करेंगे और यहाँ पे भी 10 प्लेस करेंगे 50 के साथ, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट प्लेस करेंगे, आगे कोई भी डिजिट और लगाने के लिए आप पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा लिया आपने, नेक्स्ट आपके पास क्योंकि ये अभी तक 3 डिजिट्स हुए थे, आपको 4 डिजिट्स चाहिए, आप एक और डिजिट प्लेस करेंगे यहाँ पे 0 0 प्लेस करने के लिए आप यहाँ पे एक और 0 प्लेस करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, जैसे हम यहाँ पे 2 जीरोज हमने प्लेस किए हैं, यहाँ पे भी हमने 2 जीरोज प्लेस किए हैं, बट 10 के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट प्लेस किया है। नेक्स्ट आपके पास आपने क्या करना है, 1000 को यहाँ पे हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 5 5000 5000 आ गया। नेक्स्ट हम इसको माइनस करवाएंगे, जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5000 में से 5000 माइनस करेंगे आपके पास 0 आ जाएगा, मीन्स आपके पास एंड रिजल्ट क्या है, आपका आंसर क्या है, 0.05। तो यहाँ पे हम अपना आंसर राइट करेंगे इक्वल का साइन लगा के 0.05 किलोग्राम, मीन्स आपके पास यहाँ पे ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का ही यहाँ पे बी पार्ट है, 190 ग्राम इक्वल्स टू डैश किलोग्राम, मीन्स आपने ग्राम को यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी आप वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे कि 1 किलोग्राम में आपके पास 1000 ग्राम्स होते हैं, इक्वल का साइन यहाँ पे प्लेस करेंगे 190 डिवाइडेड बाय 1000। अगेन आप देखेंगे कि आपके पास जो डिवाइजर है 1000 उसके अंदर 4 डिजिट्स हैं और आपके पास डिवाइडेंड जो है आपका 190 उसमें आपके पास 3 डिजिट्स हैं। आपको यहाँ पे डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए एक डिजिट और चाहिए, एक डिजिट जो है वो आपको और रिक्वायर्ड है। यहाँ पे डिवाइड में देखिए रफ वर्क में आपने 190 यहाँ पे प्लेस किया, 1000 लिखा, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें एक और 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर रिजल्ट में हम यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे। जब यहाँ पे हमने 0 प्लेस किया तो यहाँ पे भी हमारे पास एक 0 आ गया, और वो 0 लगाने के बाद हमने नेक्स्ट जो आपके पास वहाँ पे हमने डिजिट लिखे हैं उसके लिए हम यहाँ पे पॉइंट प्लेस करेंगे। पॉइंट आपके पास बहुत ज़रूरी है, आपने फर्स्ट डिजिट लगाने के बाद पॉइंट लाजमी वहाँ पे लगाना है, वो कंपल्सरी है। 0 के बाद आपने पॉइंट प्लेस कर दिया है, नेक्स्ट आप 1000 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करेंगे, 1000 1 1000, यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस किए 0, 0 में से 0 माइनस किए 0 एंड 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, मीन्स आपके पास 900 आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि 0 आ जाएगा और वो हम नहीं लिखेंगे, 900 आ जाएगा आपके पास। और अगेन आपके पास यहाँ पे 3 डिजिट्स हो जाएंगे, हमारे पास 4 डिजिट्स वाला डिवाइजर है तो हमें डिवाइडेड में भी 4 ही डिजिट्स चाहिए। और यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए एक और 0 प्लेस किया है, लेकिन यहाँ पे 0 लगाने के लिए हमें यहाँ पे 0 प्लेस करने की ज़रूरत अब नहीं है, हम सिर्फ उसी सूरत में वहाँ पे 0 प्लेस करेंगे जब हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे जब हम स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें वो वैल्यू को पूरा करने के लिए, डिवाइडेंड को पूरा करने के लिए हमें जितने 0s रिक्वायर्ड होंगे हमने वो लगाने के लिए, हमें ऊपर भी उतने ही 0s वहाँ पे प्लेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम एक स्टेप नीचे आ जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम जब 0 प्लेस करेंगे जितने मर्जी हम 0s यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। हमें 2 जीरोज अगर चाहिए होंगे हम 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाने के लिए हमें यहाँ ऊपर कोई भी 0
प्लेस करने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे जब आपने जीरोस यहाँ पे प्लेस करने हैं, यहाँ पे आपको जितने जीरोस चाहिए होंगे, 3 चाहिए या 4 चाहिए, आपने उतने ही जीरोस ऊपर भी अप्लाई करने हैं, 3 या 4। जितने आपको यहाँ पे रिक्वायर होंगे आपने उतने ही यहाँ पे भी प्लेस करने हैं। लेकिन अगर आप एक स्टेप डाउन आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जितने मर्जी जीरोस अप्लाई करें, वो फिर आपको ऊपर जीरो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपने देखिए जीरो प्लेस किया है, 9000 हो गया, फिर 1000 नाइन जा 9000, आपके पास यहाँ पे 9000 में से 9000 माइनस किया, क्या आ गया? जीरो। मीन्स आपके पास एंड रिजल्ट आ गया है इसका 0.19, जो कि आपका आंसर है 0.19। इक्वल का साइन प्लेस करके आप अपना आंसर यहाँ पे लिख देंगे 0.19 किलोग्राम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू आर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड। एज रिक्वायर्ड लिखने से उनका मुराद ये है, उनका मतलब ये है कि हमने कन्वर्ट करना है, हमें जिस भी उसमें यूनिट में वो दी गई वो वैल्यू हमने उसको कन्वर्ट करना है, जैसे भी हो। अब यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मिलीग्राम दिया गया, उसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। और अगर इसका आप डी पार्ट देखें, यहाँ पे ग्राम में दिया गया और हमने उसको मिलीग्राम में चेंज किया है, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि एज रिक्वायर्ड, कि जैसे वहाँ पे पूछा जाएगा उसी तरीके से आपने उसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए मिलीग्राम एक छोटा यूनिट है और ग्राम एक बड़ा यूनिट है। मिलीग्राम से ग्राम जो है वो एक बड़ा यूनिट है। तो हम जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे, तो मैंने प्रीवियसली आपको बताया है, तो हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं, 1 ग्राम में आपके पास 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। यहाँ पे देखिए 580 मिलीग्राम है इक्वल्स टू डैश ग्राम, ए पार्ट है आपके पास, ये इक्वल लगाएंगे 580 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 पे जब डिवाइड करवाएंगे, जैसे कि आपको पहले बताया कि आपके पास 4 डिजिट्स है यहाँ पे और ऊपर आपके पास 3 डिजिट्स है, जब आप डिवीजन में जाएंगे तो आपने क्या करना है, एक जीरो और अप्लाई करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर रिजल्ट में एक जीरो यहाँ पे फर्स्ट अप्लाई करेंगे, देन आप पॉइंट का साइन लगाएंगे और फिर उसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जब आपके पास डिवाइडेड में भी उतने ही डिजिट्स आएंगे जितने आपके पास डिवाइजर में होंगे, तभी आप डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिवाइड नहीं कर सकते। 1000 5 5000 आ जाएगा 5000। अब यहाँ पे माइनस करेंगे इसको, 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, एंड 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। मीन्स आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 800। देन 800 को भी आपने यहाँ पे सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, 0 अप्लाई करेंगे। प्रीवियसली जैसे आपको बताया है कि जब आप यहाँ पे 0 सेकेंड पार्ट में आके एक स्टेप डाउन आके आप 0 अप्लाई करेंगे, तो आपको ऊपर 0 प्लेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कोई 0 अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे हमने 0 अप्लाई कर दिया, 4 डिजिट्स हमारे पास अगेन कंप्लीट हो गए। देन हम अगेन इसको डिवाइड करवा सकते हैं, 1000 8 8000, 8000 में से 8000 जब माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 0। मीन्स हमारे पास एंड रिजल्ट आ गया है 0.58। यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन प्लेस करेंगे एंड 0.58 ग्राम, मीन्स हमारे पास कन्वर्ट हो गया है मिलीग्राम टू ग्राम 0.58। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, डी पार्ट में आपके पास कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द ए पार्ट। ए पार्ट के साथ आपके पास ए बी सी पार्ट जो है वो आपके पास बिल्कुल सेम है, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट डी पार्ट जो है ये आपके पास डिफरेंट है, इसमें आपके पास क्योंकि ग्राम एक बड़ा यूनिट है और मिलीग्राम एक छोटा यूनिट है, जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 ग्राम में हमारे पास कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम। यहाँ पे 1 ग्राम की जगह पे हमने 1000 मिलीग्राम प्लेस किया, 85 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीग्राम हमने करवाया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखिए फर्स्ट हम जब 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 0 0 5 0 0 5 0 0 एंड 5 1 5, फर्स्ट हम प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन प्लेस करेंगे, जो फर्स्ट 0 है उसके नीचे हम मल्टीप्लाई का साइन प्लेस करेंगे, देन हम सेकंड को मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकंड राउंड 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 1 8। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है, ऐड करेंगे, 0 एज इट इज आ जाएगा, 0 में 0 ऐड करें 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 एंड 8 एज इट इज। हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया है, 85000। यहाँ पे आंसर हम इक्वल का साइन प्लेस करेंगे एंड देन हम आंसर लिख देंगे अपना 85000 मिलीग्राम। मीन्स हम ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्जन हो गई है यहाँ पे। इसके जो सारे बाकी के पार्ट्स हैं वो आपने खुद अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। आई होप आपको मैथ के ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आपने ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कर लेने हैं।
अपना स्लोगन नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।